आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर मसले के बारे में बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी सारी एक्सचेंजेस FIUI को कंप्लाई कर रही हैं, लेकिन उसका क्या हमें लॉस है, क्या प्रॉफिट है, यह आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। क्योंकि अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें जिसमें WZIRX आ जाता है, CoinDCX आ जाता है, तो ऐसी एक्सचेंजेस FIU कंप्लायंट एक्सचेंजेस हैं, यानी कि ऐसी एक्सचेंजेस जिनके ऊपर अभी कोई लीगल एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे हमारा TDS भी लिया जा रहा है और टैक्सेस के लिए हमारी जो इनकम है वो भी कंसिडर की जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा वहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं बनता है जितना यहाँ पे TDS या फिर टैक्स लग जाता है। अब इंडियन एक्सचेंजेस जो गलत काम कर रही है वो यही कर रही है कि इस चक्कर में कि अभी मार्केट अच्छी चल रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम का फ़ायदा उठाने के चक्कर में क्या कि ट्रेडिंग फ़ी को या फिर हर तरह की फ़ी को, कमीशन को बढ़ाती जा रही है, जो कि बिल्कुल सेम Pi42 के साथ भी हुआ है। तो WZIRX पहले ही एक चॉइस नहीं था, Pi42 आया था, लेकिन Pi42 भी ऐसा चॉइस नहीं रहा है। और ये मैं एग्जांपल यूज़ करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बाकी एक्सचेंजेस जो फॉरेन के एक्सचेंजेस हैं वो भी अगर FIU कंप्लायंट होती हैं, कंप्लाई करती हैं, तो उससे क्या होने वाला है कि उनके ऊपर भी हमें सिमिलर प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी जो आपको आज Pi42 के ऊपर प्रॉब्लम फेस करने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि Pi42 एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव बन चुका है जिसके ऊपर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग यहाँ पे इस तरीके की है कि यहाँ पे अगर हमारा गलती से प्रॉफिट भी हो जाता है तो प्रॉफिट से ज़्यादा हमारा कमीशन, GST या फिर ऐसी ट्रेडिंग फ़ी, ये सारी फीसेस में ही पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। तो यहाँ बात यह है कि जो पहली बार आएगा शायद वो ज़रूर ट्रेड करेगा, वो पहली बार तो वहीं फंस जाएगा उसने अगर डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करते ही पैसा तो एक बार गया, क्योंकि पैसा कई बार आता ही नहीं है, आपको पता ही होगा WZIRX के ऊपर भी ऐसा होता था और इवन Pi42 के ऊपर भी ऐसा हो रहा है। और ये चीज़ मैंने रिसर्च करी है, इसका पाए का खुद का जो ऑफिशियल ग्रुप है जहाँ पे 1766 मेंबर्स हैं अभी, या आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर खुद भी सब कुछ रीड कर सकते हो। इसके ऊपर ही बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा डाला लेकिन पैसा पहुंचा ही नहीं है, क्रिप्टो डिपॉजिट किया क्रिप्टो डिपॉजिट पहुंचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका नहीं पहुंचता, लेकिन कुछ लोगों का नहीं पहुंचता। जिनका नहीं पहुंचता फिर उनका भी कोई सलूशन नहीं हो रहा, साथ के साथ कोई सलूशन नहीं हो रहा। मुझे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं जो मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे उनका प्रॉफिट भी कोई नहीं हो रहा है। अगर कोई ट्रेड लगा रहा है तो प्रॉफिट से ज़्यादा तो यहाँ पे कमीशन पे करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंडियन एक्सचेंजेस सही नहीं है। अब थोड़ा एग्जांपल के साथ डिटेल में आपको बताऊंगा कि WZIRX और Pi42 क्यों फेल हो रही हैं। उम्मीद है कि शार्डियम थोड़ा अच्छा चलेगा क्योंकि वो एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज ना होने की वजह से वो अपना एज ए ब्लॉकचेन अच्छा चल जाएगा, लेकिन अगर इनकी बात करें तो टोटली फेल्ड प्रोजेक्ट्स में से एक मुझे लग रहे हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो WAFED ऑफिशियल को, वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स डाल रहा हूँ। इवन लास्ट हमने जो अभी एयरड्रॉप डाला हुआ है $10 का, $50 का, $5 का, ये सारे एयरड्रॉप्स आप चेक कर सकते हैं जो कि बिटमार्ट के एयरड्रॉप्स हैं। वहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, साइन अप करना है, जो आप ट्रेड्स कहीं और लगाते हो वो बिटमार्ट के ऊपर आप ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे टोटल 10 मेंबर्स तो ये चुने जाएंगे जिनको $50 मिलने वाला है, और 50 मेंबर्स ऐसे चुने जाएंगे जिनको $5 के टोकन एज ए एयरड्रॉप ईच मिलने वाला है। तो ये जाकर चेक जरूर करना। अभी हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पे बात यह है कि WZIRX का WRX क्यों नहीं चल रहा है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। अब WRX इसलिए नहीं चल रहा, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक प्रोजेक्ट है, WZIRX बहुत ज़्यादा वीक प्रोजेक्ट है, WRX के ऊपर काम नहीं हो रहा है, WRX की मार्केटिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पार्टनरशिप्स नहीं है, ब्लॉकचेन नहीं है। WRX अगर किसी बहाने या किसी तरीके से चलता भी है तो वो सिर्फ एक ही कारण चलता है कि जब मार्केट थोड़ी सी बेटर होती है, मार्केट बेटर इन इंडियन मार्केट, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फंडामेंटली जब अच्छी न्यूज़ आती है तो उससे क्या कि WRX पंप शुरू होना शुरू हो जाता है कि इंडियन एक्सचेंजेस का अगर कोई कॉइन है तो वो हमेशा ऐसा ही रिएक्ट करेगा। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है कि WRX हमें प्रॉफिट दे जाए, क्योंकि इन्होंने जो बर्न्स है वो बर्न्स बहुत सालों से बंद कर रखे हैं, जिससे क्या कि हमारा लगातार लॉस ही हुआ है, यानी कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट होना चाहिए था तो प्रॉफिट तो क्या ही होना, लेकिन उल्टा यहाँ पे लॉस ही होता जा रहा है। तो अभी ये जो पंप आया तो इस पंप के दौरान क्या है कि जो प्राइस है 27 रुपये के आसपास ही पहुँचे, जो कि एक्चुअल में पहले 400-500 रुपये तक भी पहुंचा था, और इवन मेरे हिसाब से अभी करंटली 100-150-200 रुपये के आसपास होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं मूव हो पा रहा है, ये इनकी खुद की वजह से ही नहीं हो पा रहा है। आज अगर कोई डिपॉजिट करता आया ना तो वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा, यानी कि वो क्रिप्टो विड्रॉ नहीं कर पाएगा, अगर क्रिप्टो डिपॉजिट कर लिया है तो INR विड्रॉ नहीं होगा, यानी कि ऐसी सारी प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं WZIRX के ऊपर। और साथ साथ TDS और जो फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा है, फीस ज़्यादा होने की वजह से ट्रेड भी हम सही ढंग से नहीं लगा पाएंगे और इवन TDS को पे करना ही पड़ेगा। तो ये सारी मेन रीजंस है कि क्यों WZIRX के ऊपर तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं है,
और यहाँ पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो लगभग सारा शिफ्ट कहाँ पे हो चुका है, वो बाइनेंस या फिर बाकी जो फॉरेन की ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर पूरा अमाउंट शिफ्ट हो चुका है, पूरा वॉल्यूम वहीं पे जा चुके हैं। यही कारण है कि आज अगर आप देखोगे BTC INR के पेयर में, यहाँ पे जो वॉल्यूम है BTC का ये 3.9 BTC है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि इनके ऊपर कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर हम BTC USDT की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आधा BTC ही पड़ा है, तो इतनी सी ट्रेडिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो स्प्रेड है स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि इतने ट्रेड्स आते नहीं है। ऑर्डर बुक आप देख सकते हो बहुत स्लो चल रही है, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है क्यों WZRX नहीं काम कर रहा है और WRX भी नहीं काम कर पा रहे है। अब आते हैं इनके मेन Pi 42 के ऊपर। Pi 42 भी एक बड़ा फेलियर बन रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम उनके ग्रुप के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैंने देखा तो मैं खुद भी हैरान हो गया। यहाँ पे किसी ने ट्रेड लगाया और उनका जो प्रॉफिट 144 रुपये हुआ, उसके बाद 37.53 रुपये का एक GST ऑन कमीशन कटा। GST ऑन कमीशन यानी कि इससे पहले कमीशन कटा था, कमीशन कितना कटा यहाँ पे 134 रुपये कमीशन, और उसी के साथ 208 रुपये कमीशन, और इसके ऊपर GST ऑन कमीशन पर कटा 37 रुपये। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे कट चुका है, जो कि सिर्फ कमीशन और GST के नाम पे कट चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट का तो फिगर ही बहुत छोटा लग रहा है इसके सामने। तो इस तरीके से ये तो ये Pi 42 एक्सचेंज काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट थी वो तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, उससे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट्स देखकर हैरान हो रहा हूँ कि कुछ लोगों का पैसा पहुँचा नहीं है। और उसके बाद जब मैंने फीस चेक की, तो फीस चेक करने पर तब मैं और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि यहाँ पे फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। INR अगर आपने डिपॉजिट करना है वो, तो वो फ्री में हो जाएगा, जो कि अगर मैनुअल बैंक ट्रांसफर होता है। इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर होगा तो 0.1% पर ट्रांजैक्शन वैल्यू लगेगा, इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट का ही लग रहा है। यानी कि यहाँ पे जो फिक्स होना चाहिए था 5 रुपये 10 रुपये, यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट यहीं पे कट जाएगा। INR विड्रॉल फी 15 रुपये पर विड्रॉल, तो ये हमें फीस ये तो देनी ही पड़ेगी। ट्रेडिंग फी की बात करें तो ट्रेडिंग फी यहाँ पे 0.05% है, जो कि मेकर फी है। टेकर फी है 0.10%, यानी कि यहाँ पे 0.15%, इतनी तो फी ही लग जाएगी आपके ट्रेड की। तो यहाँ पे बात हमने सिर्फ और सिर्फ फीस की करी है, जो कि ट्रेडिंग फीस है। अब बात करते हैं यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको एक ट्रांजैक्शन फीस या और भी फीस लगने वाली है, जो है ट्रांजैक्शन फीस 0.02% पर ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक तो आपको ये भी पे करना पड़ेगा, जब आप USDT अगर डायरेक्टली इसके ऊपर डालते हो तो वो USDT को INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने पर ट्रांजैक्शन फी यहाँ पे 0.02% लगने वाली है। इसी के साथ ट्रांजैक्शन फी के ऊपर 18% GST लग जाएगा। अब GST लगने के बाद यहाँ पे 1% TDS भी कटने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल भी इन्होंने खुद दी हुई है, शरेआम दी हुई है कि आप देख लो कि इतना पैसा कटेगा ही कटेगा। $100 आपने डाला, 85 के हिसाब से अगर यहाँ पे 8500 रुपये बन जाते हैं, ट्रांजैक्शन फी 1.7 रुपये, GST 0.3 रुपये, और यहाँ पे 1% TDS जो कट रहे हैं, ये लगभग 85 रुपये का TDS भी कट रहे हैं। अब 8500 में से 85 रुपये तो TDS ही कट गया, तो लगभग 8400 रुपये आपको मिलने वाले हैं। यानी कि ऐसा मान लो 90 रुपये 100 रुपये तो यहाँ पे आपकी फीस TDS GST इन सब में कट जाएगा। तो कन्वर्ट करती आपका इतना अमाउंट तो यहीं पे ही चला जाएगा, क्योंकि ये सब के सब पूरा परसेंटेज बेस्ड है। तो कहने का मतलब कितना तो कटेगा कटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तब मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता फीस के चक्कर में, लेकिन आपको इतना ही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी तो फीस ही कट जाएगी। यही इन्हीं में से एक कोई कारण होगा, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि क्यों यहाँ पे कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी हैं या फिर ऐसे मैसेजेस भी हैं कि उनका पैसा जब ट्रांसफर किया गया, ट्रांजैक्ट किया गया, कन्वर्ट किया गया, तो उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो उसी में ही कट गया। ट्रेड तो कहीं लगाना था, ट्रेड लगाने का तो मौका ही मिला। तो ये एक मेन बड़ा रीज़न है Pi 42 फेल हो रहा है। अब मेरी कंप्लेंट जो मैंने स्टार्टिंग में अभी तक नहीं बताई, जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो रेफर एंड अर्न की इनकम है वो भी इन्होंने बंद की हुई है। मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने बंद की हुई है, यहाँ पे लिखा तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेफर एंड अर्न की इनकम WZRX के ऊपर भी बंद थी, अभी Pi 42 के ऊपर भी बंद है। तो ये क्या है कि जो अमाउंट काटते हैं ये बोलकर कि रेफरल फी शेयर करी जाएगी, वो भी ये अपने पास रख रहे हैं। अब इसका मतलब ये कि हमारा जितना भी पैसा है, ये पूरा के पूरा पैसा एनी हाउ अगर हम एक भी ट्रेड लगाते हैं तो उससे पूरा काट के अपने पास रखना चाहते हैं। और ये सेम ऐसा मैंने मैसेज पढ़ा था, जो कि इन्हीं के ग्रुप में डाला हुआ है, कि ये कंपनी चाहती है कि आप एक ट्रेड लगाओ और ये एक ट्रेड से ही आपका पूरा का पूरा पैसा लेकर जाना चाहती है। तो अगर ऐसी हरकतें करेगी कोई भी एक्सचेंज तो कोई क्यों ही यूज़ करना चाहेगा? इंडियन एक्सचेंज से हमें क्या ही मिल रहा है? यहाँ पे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, उल्टा लॉस ही हो रहा है। इससे अच्छा तो फ्यूचर्स ट्रेड करो ही मत, या फिर स्पॉट में ही पैसा पड़ा रहने दो, किसी वॉलेट में डाल के रख लो,
किसी फिजिकल वॉलेट में डाल के रख लो, तो वही एक बेटर ऑप्शन लग रहे हैं पाई 42 या फिर वजीरक्स की जगह पे। तो यही कारण है कि मैं आपको बिटमार्ट थोड़ा यहाँ पे सजेस्ट करता रहता हूँ। बिटमार्ट के ऊपर क्या है कि यहाँ पे ये बैंड की लिस्ट में नहीं आया और अभी इसके ऊपर टीडीएस भी नहीं लगता है, टैक्स का भी कोई चक्कर नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो। एंड जो एयर ड्रॉप्स हैं वो तो मैं आपको देता ही रहूँगा, वो पूरी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसी कंप्लेंट आपकी भी है नीचे कमेंट जरूर करना, कोई और एक्सचेंज या प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं पूरी डिटेल में लेकर आऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।